हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अनिरुद्धा शानी और आप सभी को मेरे चैनल शानीज लखपत बुक्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डैम्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे यूपी में कौन कौन से डैम फेमस है। तो यहां पर क्या लिखा है फ्रेंड्स, नेम ऑफ द डैम्स इन यूपी। ठीक है, तो फेमस डैम कौन सी है फ्रेंड्स? एक है रिहान डैम, दूसरी है माटा टीला डैम एंड थर्ड है रानी लक्ष्मीबाई डैम। ठीक है, आई होप कि आप सब लोग देख पा रहे हो क्लियरली। तो कौन सी है फ्रेंड्स? एक है रिहान डैम, सेकेंड है माटा टीला डैम एंड थर्ड है रानी लक्ष्मीबाई डैम। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसे कैसे याद रखेंगे, है ना? यही तो मेन क्वेश्चन है, याद कैसे रखेंगे। तो रिहान डैम, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हान लिखा है। तो अगर हम लोग इसे ऐसे धोरे, ऐसे सोचे, हांड मीन हांडी, तो आप लोगों के यहाँ पर जो जो लोग यूपी से देख रहे हो, तो वहां पर जब भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी होती है तो उस समय मटकी फोड़ यानी हांडी फोड़ की एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट होती है, आप लोगों के वहां पर होती होगी, तो आप लोग तो जानते हैं। तो हम लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं, यूपी, यूपी में ही मथुरा सब पड़ती है, वृंदावन मथुरा। तो यहाँ पर हांडी फोड़ की कॉम्पिटिशन होती है यानी मटकी फोड़ की कॉम्पिटिशन होती है। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं रिहान डैम, यूपी हांड में हांडी, उससे हम लोग याद रख सकते हैं। तो रिहान डैम कहाँ पर है फ्रेंड्स? यूपी में। अब हम लोग देखेंगे माटा टीला। माटा टीला फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग इसे कैसे याद रख सकते हैं माटा टीला? तो हम लोग देखते हैं टीला, टीला मींस जो ऊंचे ऊंचे जगह होती है ना, टीला मींस मैं क्या बोलूं, पहाड़ जैसा ऊंचा नहीं है लेकिन ऊंचा है, यानी जो प्लेन एरिया से टीला थोड़ी ऊंची जगह होती है। तो अगर हम लोग इसे ऐसे सोचे कि अगर कोई बच्चा उस टीले के ऊपर उड़ जाएगा तो उसकी जो मम्मी है यानी माता, माता मींस यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग एंशिएंट टाइम पर मम्मी को माता ही बोलते थे, तो माँ परेशान हो जाएगी, तो माँ बच्चे को क्या बोलेगी, उतर जाओ बच्चे, तुम टीला से उतर जाओ। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? यूपी, यूपी, यूपी यानी आप, यूपी मींस आप। अगर हम लोग इसे देखें यू एन पी, हम लोग इसे आप सोच सकते हैं। अगर एक टीला, टीला पर उठी है, टीला मीन्स ऊपर, अब माँ बच्चे को बोल रहा है टीला पे मत उठो, तुम नीचे आ जाओ। तो इस तरीके से हम लोग इसे याद रख सकते हैं माटा टीला। माटा टीला कहाँ पर है फ्रेंड्स? यूपी में। ठीक है, अब इसे हम कैसे याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई डैम? तो हम लोग सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई कहाँ के थे, तो हम लोग इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई यूपी में थे, तो उस तरीके से हम लोग इसे याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ ये थोड़ी फनी होगी लेकिन फिर भी हम लोग को याद रखना है, तो हम लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो कौन सी हुई फ्रेंड्स? तो हम लोग देखते हैं कौन सी डैम है, रिहान डैम है, माटा टीला डैम है एंड रानी लक्ष्मीबाई डैम है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डैम है एक किस किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो इसके लिए जो सेकंड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, रिहान डैम इज बिल्ड ऑन व्हिच रिवर? आंसर होगी रिहान रिवर। ये तो इजी है, रिहान डैम रिहान नदी के ऊपर ही है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ द रिजर्वायर ऑफ रिहान डैम, यानी रिहान डैम की जो रिजर्वायर है उसकी नाम क्या है? उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन सी नेम है फ्रेंड्स? गोविंद बल्लभ पंत सागर। आई होप कि आप सब लोग देख पा रहे हो। तो नेम ऑफ द रिजर्वायर ऑफ रिहान डैम क्या है फ्रेंड्स? गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज ए कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, यानी कौन सी डैम बिल्कुल कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मीन सीमेंट से बना हुआ ग्रेविटी डैम है फ्रेंड्स, वो है रिहान डैम। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई डैम इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर? तो हम लोग क्या देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है
रानी लक्ष्मीबाई डैम इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर? तो आंसर इज बेतवा रिवर। तो हम लोग इसे कैसे याद रखेंगे, यही एक्चुअल क्वेश्चन है। तो हम लोग इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो रानी लक्ष्मीबाई जब उन्होंने हमारे देश के लिए लड़े थे तो वो हर वक्त बेताब रहती थी इस प्रतीक्षा में कि कब हमारी देश आजाद होगी। तो वो क्या रहती थी? वो बेताब रहती थी। अब हम लोग इसे बेतवा से जोड़ेंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई हर वक्त बेताब रहती थी कि कब हमारी देश इंडिपेंडेंट होगी या आजाद होगी। तो बेताब से होगी बेतवा, ठीक है ना? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई डैम इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर? बेतवा रिवर। अब हम लोग सिक्स क्वेश्चन को देखेंगे। माता टीला डैम इज बिल्ड ऑन व्हिच रिवर? वो भी होगी बेतवा रिवर। अब हम लोग पहले ही पढ़े थे माता टीला। टीला मीन्स जो एक ऊंचा जगह होती है, वहां पर अगर कोई बच्चा उठ जाए तो उसकी मम्मी यानी माता बहुत बेताब रहती है कि कब मेरे बच्चे वहां से नीचे उतरेंगे, ठीक है? तो वहां से भी हम लोग इसे लिंक कर सकते हैं एज ए बेतवा रिवर, माता की बेताबी से होगी बेतवा रिवर। तो अब माता टीला कहाँ पर है? यूपी में। तो हम लोग इसे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सब कुछ डैम को याद कर लिए सिर्फ एक टेक्निक से, ठीक है? तो यूपी हम लोग आप कह सकते हैं ऊपर, यूपी ऊपर, आप यूपी से होगी माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई डैम भी हो गया और यहाँ पर रिहान डैम भी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स? तो रिहान डैम को हम लोगों ने कैसे बोला कि आपकी वहां पर भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ की कॉम्पिटिशन होती है, तो हम लोग मटकी को हांडी यानी हांडी अगर सोच लिए तो उसी से ही हम लोगों का काम चल जाएगा। रिहान डैम हांड मीन्स हांडी और वो कहाँ पर है? यूपी में। तो रिहान डैम किस नदी के ऊपर है? रिहान दीवार के ऊपर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट पर देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे उड़ीसा में कौन सी डैम फेमस है। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा में एक ही डैम फेमस है, वो है हीराकुंड डैम, ठीक है फ्रेंड्स? हीराकुंड डैम। और वो किस नदी पर है? वो महानदी पर है। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन है कि हम लोग इसे कैसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब मैथमेटिकल स्टोरी पढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर पक्षीराज जो घोड़े होते हैं, ऐसी किस तरह की कोई चीज होती है जहां से राजा लोग उड़ उड़ के जाते थे, ठीक है? तो रावण की शायद ऐसी कोई रथ होगी। तो हम लोग इसे कैसे याद कर सकते हैं? हम लोग माइथोलॉजिकल स्टोरी को इस तरीके से इसे एड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कोई राजा है, वो हीरे की कुंड की खबर उसको मिली है, कहां पर? एक महानदी है, ठीक है फ्रेंड्स? तो एक बड़ा सा नदी है जिसको हम लोग महानदी बोलेंगे, यानी महानदी रिवर अगर हम लोग उसे सोचे। तो हम लोग इसे कैसे बोल सकते हैं कि एक राजा है, वो उनको खबर मिली है कि एक महानदी पर हीरे की कुंड है यानी हीरे की खाद है, ठीक है? वहां से बहुत सारे हीरे उनको मिलेंगे। तो बस हम लोग इसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा को हम लोग उड़ यानी पक्षीराज जो रथ होती है उससे उड़ के वो लोग यानी राजा कहाँ पर गए? महानदी पर गए जहां पर हीरे की कुंड है। तो फ्रेंड्स, हो गया। तो कैसे हम लोग इसे लिंक कर सकते हैं? उड़ीसा, उड़ीसा से हम लोग उड़ना, ठीक है? उड़ना को हम लोग इसे लिंक करेंगे, ठीक है? तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? एक राजा है, राजा के पास खबर है कि महानदी पर यानी महानदी नाम की एक रिवर है जहां पर हीरे की कुंड है। तब अब राजा वहां पर कैसे जाएंगे? वो अपने पक्षीराज जो रथ है उसे उड़कर इस महानदी पर जाएंगे और जाके हीरे की कुंड की खोज लेंगे और वहां से हीरा निकल के वो चले आएंगे। तो हम लोग इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं कि हीरे की कुंड कहाँ पर है? महानदी पर है। और अब राजा कहाँ कैसे उस जगह पर जाएंगे? उड़ के, उड़ से होगी उड़ीसा और न
होगी महानदी और जो हीराकुंड डैम होगी हीरे की कुंड यानी हीरे की खनी वो होगी हीराकुंड डैम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को अब याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब हम लोग किस स्टेप को पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड को। हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन सी डैम है और इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा है व्हिच डैम्स आर फेमस इन झारखंड। कौन सी डैम है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीन डैम फेमस है। कौन सी है? एक है तिलैया डैम, सेकेंड है माइथन डैम एंड थर्ड है पांचेत डैम। आई होप फ्रेंड्स ये आप लोग समझ पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सी डैम है? एक है तिलैया डैम, सेकेंड है माइथन डैम एंड थर्ड है पांचेत डैम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो ये जो दो डैम है यानी ये जो तिलैया डैम एंड माइथन डैम आर सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर? दैट इज बराक रिवर। सॉरी फ्रेंड्स, बराक रिवर। तो ये जो तिलैया डैम है एंड माइथन डैम है ये बराक रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? पांचेत डैम इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर? तो पांचेत डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है? आंसर इज दामोदर रिवर। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्या देखा? झारखंड में थ्री इंपॉर्टेंट डैम्स है। कौन सी है? तिलैया डैम, सेकेंड है माइथन डैम एंड थर्ड है पांचेत डैम। अब तिलैया एंड माइथन बराका रिवर के ऊपर है और पांचेत डैम दामोदर रिवर के ऊपर है। तो अब हम लोग इसे कैसे याद रखेंगे? तो फ्रेंड्स हम लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं। सपोज कीजिए दामोदर डैम की कोई आदमी है, उन्होंने पांचेत यानी अगर हम लोग पांचेत को सपोज कीजिए पान जो पान बत्ती होती है ना वो पान बत्ती सपोज कीजिए। अब तिलैया को हम लोग सपोज करेंगे तेल तिलैया तेल एंड माइथन को हम लोग सपोज करेंगे माइथन जो है। तो चलिए अब हम लोग इसे एक कुए में सजा लेते हैं। हम लोग इसे कैसे सपोज करेंगे? सपोज कीजिए दामोदर नाम की कोई आदमी है, वो मुंह में पान लेके तेल लेने माइथन जा रहा है। अब वो रास्ते में उनको एक बराक दिखा। बराक मीन्स बराक रिवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अब ये बराक कहाँ पर है? बराक के आसपास बहुत सारे झाड़ियां है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कैसे इसे मिला लिया? देखिए फ्रेंड्स, हम लोग किस स्टेट को पढ़ रहे हैं? झारखंड को पढ़ रहे हैं। अब झारखंड में क्या है फ्रेंड्स? दामोदर नाम की एक व्यक्ति है यानी रिवर दामोदर। ठीक है फ्रेंड्स, दामोदर मुंह में पान लेके यानी रिवर पांचेत, सॉरी फ्रेंड्स डैम पांचेत, मुंह में पान लेके माइथन जा रहा है तेल लेने। तेल मीन्स तिलैया डैम। ठीक है, रास्ते में उन्होंने एक बराक देखा। बराक मीन्स फ्रेंड यहाँ पर बराक जो मिलिट्री की बराक होती है ना वो बराक देखा, और यहाँ पर बराक मीन्स बराक रिवर। ठीक है, बराक देखा जिसके आसपास बहुत सारे झाड़िया है। झाड़िया मीन्स झारखंड। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आप लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी इसे याद रखने में। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं कि तमिलनाडु में कौन सी डैम फेमस है। तो यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड्स? फेमस डैम्स इन तमिलनाडु। कौन सी डैम है फ्रेंड्स? दो डैम है, एक है कलनई डैम एंड सेकेंड है मेट्रूर डैम। तो कौन सी है फ्रेंड्स? कलनई डैम एंड मेट्रूर डैम। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस डैम्स आर लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर? दैट इज ये जो कलनई डैम एंड जो मेट्रूर डैम है ये किस रिवर पर लोकेटेड है? द आंसर इज कावेरी रिवर। तो फ्रेंड्स ये जो दो डैम है ये दो डैम ही कावेरी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। तो इसके लिए ही मैंने यहाँ पर एक साथ इसे लिख दिया है। तो हम लोग फिर से इसे एक बार याद कर लेते हैं। तमिलनाडु में कौन सी फेमस डैम है? दो डैम है, एक है कलनई डैम
dam and these dams are located on Kaveri River. ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ, आप लोग बहुत अच्छे रहो, खुश रहो और मैंने जो पढ़ा है उसे बार बार रिवाइज कीजिए. आई होप इससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी. तो फ्रेंड्स मैं आप चलती हूँ, आप लोग प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए हर वक्त रेडी होती हूँ, तो प्लीज थोड़ा कॉमेंट भी कर दीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे भी आप लोग मुझे बोलिए. तो फ्रेंड्स आज मैं चलती हूँ, आप लोग बहुत अच्छे रहो, खुश रहो और अच्छे से पढ़ाई करो. ओके, बाय बाय.